Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. खास तौर से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी उन्नाव की जो प्रत्याशी हैं, जो उन्नाव का बहुत बड़ा रेप का केस हुआ था, उनकी माता जी हैं आशा सिंह जी, वो चुनाव लड़ना चाहती हैं और हमने उनको मौका दिया है कि अपने संघर्ष को वो जारी रखें और जिस सत्ता के जरिए उनको दबाया गया, उनके परिवार के साथ तरह तरह के अत्याचार किए गए, उनके पति की हत्या की गई, उनके देवर जी आज भी जेल में हैं, उनकी बेटी का बलात्कार किया गया, उसके बाद एक्सीडेंट कराया गया, वही सत्ता अपने हाथों में लें और खुद के लिए अपनी लड़ाई लड़ें। इसी तरह से सोनभद्र में जो आदिवासियों के साथ हुआ था, एक नरसिंहार आपको याद होगा कि हुआ था, जिसमें 13 आदिवासियों की मौत हुई थी। उस समय एक लड़का, आदिवासी लड़का था रामराज गोंड, जिन्होंने उनकी आवाज उठाई, उनके लिए संघर्ष किया। आज रामराज गोंड हमारे जिला अध्यक्ष हैं, पिछले 2 सालों से हमारे जिला अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने राजनीति करनी शुरू की और आज वह सोनभद्र में उम्भा से वह खड़े होंगे और इस संघर्ष को जारी रखेंगे। इसी तरह से आपको मालूम होगा कि आशा बहनों ने कोविड के समय कितनी बड़ी इस देश की सेवा की, कि अपनी अपने जीवन को ध्यान में न रखते हुए घर घर गईं, सेवा की, जिसको कोरोना था दवाइयां पहुंचाई और उनका मानदेय कभी बढ़ाया नहीं गया। उस मानदेय को बढ़ाने के लिए एक संघर्ष किया गया था। इसमें पूनम पांडे जी आशा बहु हैं, वह उन्होंने संघर्ष को मजबूती से उठाया। हाल ही में आपने देखा होगा एक वीडियो में उनको खूब पीटा गया, पुलिस ने उनको पकड़ा, प्रशासन ने उनको मारा पीटा, बस में घसीट के ले गए, उनके ऊपर बैठ के उनका गला दबाया कि तुमने हिम्मत कैसे की ये सवाल उठाने के लिए। तो पूनम पांडे जी भी शाहजहांपुर से चुनाव लड़ रही हैं। सदफ जाफर के बारे में आप सबने सुना होगा, सदफ जाफर ने NRCCA के समय बहुत संघर्ष किया, पुलिस उनको उठाकर ले गई, बेवजह उनको जेल में डाला, उनके 2 बच्चे अकेले घर पे थे, उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं था, फिर भी सदफ ने खूब संघर्ष किया, आवाज उठाई। उसके बाद भी जब सरकार ने तमाम पोस्टर छपवा के प्रदेश की शहरों में लोगों के चेहरों की फोटोग्राफ उन पोस्टरों पे लगाकर उनके बारे में प्रशासन ने लिखा, तब भी सदफ जी का नाम उसमें था, फिर भी उन्होंने संघर्ष किया और वो पीछे नहीं हटे। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो हमारी सूची है वो एक नया संदेश दे रही है, वो ये संदेश दे रही है कि अगर आपके साथ अत्याचार हुआ तो आप में ये शक्ति है कि आप अपने हक के लिए लड़ो, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आपको ये शक्ति देगी, आपका समर्थन करेगी, हर तरह से आपकी मदद करेगी ताकि आप अपनी लड़ाई लड़ सके, राजनीति में आए, सत्ता अपने हाथ में लें और अपने हक को खुद मांगे। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Voter Story and support independent, robust journalism.